सुनो, तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? पागल हो गई, जिनका ब्याह हो गया मैंने वो नहीं चढ़ी, तू तो फिर भी मेरी अपनी है। भाभी जी, भाई साहब नहीं दिख रहे। हमारा झगड़ा हो गया है, वो गार्डन में होंगे। मैंने देखा गार्डन में तो नहीं है, खोद के देखो। तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम सुनती कम हो और बोलती बहुत ज्यादा हो। सिर्फ आपके साथ। वो जो अपनी पड़ोसन है ना, आज ना उसे साड़ी पहन रखी थी और पता उसकी कमर पे कितना बड़ा दाग है। वो गुप्ता जी की बीवी? हाँ, टैटू है वो। सुनो, कल मेरी मम्मा आ रही हैं। पापा भी आ रहे हैं क्या? नहीं, क्यों? नहीं, वो किचन में मेरी हेल्प हो जाती। यार मेरी वो ग्रीन वाली। सुनो, आज खाना कैसा बना था? तुम भी ना, रोज लड़ने के नए नए बहाने ढूंढती हो। सुनो, जब हमारी शादी हुई थी मुंह दिखाई पे आपने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था, फिर उसके अगले दिन ही मुझसे वापस ले लिया। हाँ, क्योंकि मुंह दिखाई और मुंह धुलाई वाला चेहरा मैच नहीं हो रहा था ना। क्या हुआ? अबे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे सुबह नाश्ता जल्दी दिया करो, लेकिन तुम मुझे हर रोज ऑफिस के लिए लेट करवाती हो। और एक बात बताओ, जब नाश्ता सर्व कर रही हो उससे पहले टेबल साफ नहीं कर सकती? और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, सारा दिन तुम सफाई में लगी रहती हो लेकिन घर हमारा फिर भी गंदा ही दिखता है। आप मुझे एक बात बताओ, आप भी तो रोज ऑफिस में इतना काम करते हो, हम तो आज तक अमीर नहीं हुए। बातें करवा लो, टेबल साफ करके उठना। अब मेरी ही गलती है, मुझे बिना किसी समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। कोई भी समझदार औरत ना आपसे शादी नहीं करती। ये बात तो सही गई तुमने। बेबी चलो हम लोग चल के नागिन डांस करते हैं। हाँ चलो। मैं ना नागिन बनूंगा, तुम बीन बजाना। नहीं, मैं नागिन बनूंगी। अरे तुम तो नागिन हो ही यार। यार परसों जहाँ से मैंने सूट लिया था ना, उस दुकान पर तो मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हो गया? इतना घटिया कपड़ा, दोबारा तो नहीं जाना मैंने। अरे चल कोई नहीं, ऐसे नहीं करते। यार आप मुझे एक बात बताओ, जहाँ से आपको एक बार धोखा मिल जाए आप दोबारा जाओगे कभी वहाँ पे? हाँ तो मैं तो ससुराल जाता ही हूँ ना। क्या हो गया बेबी? कुछ नहीं, मेरा मूड बड़ा खराब है। अरे मतलब अब मेरा भी करोगे तुम? अच्छा सुनो, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो आप दूसरी शादी कर लेना। ठीक है। बड़ी जल्दी मान गए। अरे मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा, अगर फिर भी कभी किसी से करनी पड़ी तो? मेरी सेक्रेटरी है ना साक्षी, अरे बिल्कुल तुम्हारी तरह ख्याल रखती है मेरा। आई थिंक शी विल बी द परफेक्ट वन। नाइस। अच्छा मान लो जस्ट इन केस अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो? आपको होगा अभी। वैसे आप करते क्या हो? आई एम अ थ्रेड आर्टिस्ट। अच्छा, सिलाई बुनाई का काम आता है आपको? अरे कितनी अच्छी बात है, आजकल लड़के कहाँ सिलाई बुनाई सीखती हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। और कितना रोमांटिक मोमेंट होगा ना जब मेरी शर्ट का बटन टूटेगा और आप भाग के जाओगे और सुविधा के लेके आओगे और सीधोगे। मैं थ्रेड पे लिखती हूँ। ओ, धागे पे कैसे लिखते हो? मैं थ्रेडिंग करती हूँ। अच्छा थ्रेडिंग करते हो, पता है मम्मी प्रिया सब बाहर जाके थ्रेडिंग करवा के आते हैं, अब घर में काम हो जाएगा, पैसे बचेंगे।